हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे, और जो ठीक नहीं है दुआ करेंगे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो भाई, आज नए दिन के साथ हमारा नया ब्लॉग, और आज हम जा रहे हैं TVS के शोरूम, आपको मिलवाते हैं भाई। जो मैंने कल बताया था कि हमारी TVS अपाची जो कि ये खड़ी है, और हमारी बिल्लोरानी ये खड़ी है भाई, पूरी रात ऐसे ही खड़ी रही यहाँ पे। यहाँ एक चीज़ की तो बहुत ही अच्छा है भाई, यहाँ कोई भी गाड़ी को ऐसे टच नहीं करता। कोई बात नहीं, टैंक पेट छूट गया भाई हमारी बिल्लोरानी का, लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे। ये है हमारी अपाची 164V V6। इसका भी मीटर ख़राब हो चुका है भाई, इसी वजह से आज हम जा रहे हैं TVS के शोरूम इसको लेके। ये देख रहे हो, कोई भी मतलब इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, ब्लैंक पड़ा है ये भी, लेकिन इसमें अभी ये ब्लैंक पड़ा है भाई ये भी। तो हम जा रहे हैं, बात करते हैं शोरूम जाके क्या होता है। बाकी एक खुशखबरी है, आज हमारी बिल्लोरानी का मीटर आ चुका है भाई शोरूम, और आज हम जाएंगे KTM के शोरूम, वहीं आज अपना मीटर चेंज करा देंगे हम बिल्लोरानी का, फिर हम निकलते हैं पहाड़ के लिए। उसके बाद मुक्तेश्वर जाना है हमें आज, चलिए फिर निकलते हैं। एक मिनट दिखा रहा कपड़ा लिखा हुआ जरा, यहाँ को अंदर को अंदर को। तो भाई बज चुके हैं 10:30 हो गए, जल्दी वहाँ से निकल गए, फिर हमें थोड़ा और काम भी है आज, अपनी अनिम सीट कवर भी लगवाना है हमें। तो चलते हैं गाइस, अभी हम मिलते हैं आपसे, हाँ मिलते क्या, आपको दिखाते हैं भाई। आज फर्स्ट बार जा रहा हूँ भाई मैं TVS के शोरूम हल्द्वानी वाले में, तो कई बार जा चुका हूँ मैं, पहले मेरे पास यही थी TVS अपाची, इसी को यूज़ करता था मैं, लेकिन उसके बाद मैंने KTM निकाल ली, और ये भाई के पास है अब। तो ये गिर गई थी भाई बरसात के टाइम में, उसकी वजह से इसका मीटर भी टूट गया था, तो वो बरसात का पानी जाने की वजह से मीटर ही ख़राब हो गया भाई इसका। इसी सिलसिले में आज जा रहे हैं हम शोरूम में, देखते हैं क्या होता है, गाड़ी में कुछ और भी टूट फूट है तो देखते हैं क्लेम लेना पड़ेगा या ऐसे ही काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा नुकसान हो गया या गाड़ी में वैसे तो बहुत ज़्यादा टैंक पे, उसका टैंक भी भाई क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा खरोंचा आ रखी है टैंक पे, हम सोच रहे हैं एक बार सारा ही काम करा लें हम, तो उसी सिलसिले में बात करेंगे हम वहाँ जा कर के क्या करना चाहिए हमें। बिना क्लेम के काम हो जाएगा, ज़्यादा खर्चा आएगा तो भाई इंश्योरेंस भी शायद टूटेगा, इंश्योरेंस फिर इसका क्लेम लेंगे हम, और क्लेम में तो फिर थोड़ा टाइम लगता ही है भाई। बाकी जो भी होगा जाके शोरूम में ही पता लगेगा क्या करना है। लो भाई पहुंच गए हम शोरूम में, बात करते हैं भाई से कैसा काम होगा, यहाँ तो काम चला है भाई। ये भाई TVS शोरूम श्री गोलजू मोटर्स,
चलिए अंदर चलते हैं, बात करते हैं क्या मसला है, क्या करना पड़ेगा भाई। बिल्लू रानी को छोड़ते हैं यहाँ पे और चलते हैं अंदर। कैसे हैं? बढ़िया। वही मीटर की प्रॉब्लम इसकी है? हाँ हेलो भाई, तो हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस हो चुका है कंप्लीट, बाकी अब हम निकलते हैं यहाँ से। नाजिम भाई मिलते हैं यहाँ से, आगे हम मुझे थोड़ा अपनी गाड़ी का कंट्रोल। ठीक है सर, थैंक यू जी। ओके आप जाओ गाड़ी ले जाओ, हम निकलते हैं सर। अभी गाड़ी का जाना है हल्द्वानी, यहाँ से जाते हैं फिलहाल भाई के रूम पर, अपना बैग लेते हैं सामान उठाते हैं ना, और हल्द्वानी पहुँचते हैं। मेरी याद भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे आ जाइए मैं यहाँ पे ही हूँ, उसका ये सीट कवर वगैरह लगवाने हैं हमें फिर दौरानी में, उसके बाद वहाँ सीट कवर लगवा के फिर जाना है मुझे शोरूम के टी एम के, वहाँ से अपनी दौरानी का मीटर चेंज कराना है। मीटर आ चुका है भाई, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है मीटर की वजह से मुझे। चलिए फिर चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। चलते हैं फिर ऊपर, बस ही चल देते हैं। यहाँ से निकलते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं रास्ते में। ठीक है,
ओके बाय, टेक केयर।